इस वक्त रुदौली अयोध्या में मौजूद हैं। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे दौरा किया था। आम पब्लिक है जो सुनने आई थी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के भाषण के बारे में और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह इस 2022 में हम जिताएंगे। यहाँ से विधायक जीते का ओवैसी का जी। कितना मजबूत लग रहा है आपको? हाँ, कितनी मजबूत लग रही है ये आईएमआई? बहुत मजबूत है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। भाई माजा। जैसा कि ये बीजेपी के एजेंट जो लोग कह रहे हैं वही बीजेपी के एजेंट खुद हैं। हम लोग ओवैसी साहब को खुलकर समर्थन कर रहे हैं और इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आपको खुल के समर्थन कर रहे हैं और जो माई का लाल कोई है जो साबित कर देगा तो हम लोग उस दिन उसकी गुलामी करेंगे। बैरिस्टर साहब को कोई दाग नहीं है। हम लोग का यूपी का मुसलमान, यूपी की वंचित बहुजन पिछड़ा समाज पूरा खुल के समर्थन कर रहा है ओवैसी साहब। आप पूछिए क्या कहना चाहेंगे? आज की रैली जो हुई उस पर, आज की रैली का ये असर ये हो जाएगा कि इतिहास में इस तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। लोगों की मानसिकता में काफ़ी बदलाव हो जाएगा। लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट ने हम लोगों के ऊपर राज किया, या आपके चाहे यादव भाई हों, दलित भाई हों, सभी ने मिलकर अभी अखिलेश सरकार बनाई या आपकी बीएसपी सरकार बनाई, तो सभी फायदा उठा रहे हैं। कोई ज़मीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस बार जो ये पब्लिक आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो इसमें सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं है, आपको दलित भाई, यादव भाई सभी मिलेंगे। तो जो हालात दिख रहे हैं, उम्मीद है आने वाले इलेक्शन में आपको बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा। और जो ये धर्म की राजनीति और जो आपको आपस में भाईचारे को बिगाड़ने की राजनीति चल रही, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका कोई फायदा नहीं होगा। लोग अब काम चाहते हैं और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम सबसे अपील भी यही करते हैं, जो भी हम लोग के साथ में हैं उनसे यही अपील करेंगे कि अब धर्म की राजनीति छोड़ करके आप काम की राजनीति पर आइए। ज़मीनी स्तर पर क्या क्या काम हुआ, अभी रुदौली में जैसा कि एस एस साहब ने बताया कि फ्लाईओवर का है, स्कूल का है, मेडिकल का, तो फ्लाईओवर किसी पर्टिकुलर एक मज़हब के लिए नहीं होता है, उसमें सभी धर्म के लोग आते जाते, सबके आसानियाँ होती हैं। तो इसमें जब तक सब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे जब तक इसका कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने फ्लाई ओवर की बात करी, मगर उनको तो कहा जाता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भैया उधर बताइए, उनको तो कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं, ऐसा कहें उनकी कोई भी स्पीच एक दिखा दीजिए। देखिए, अपनी कौम के लिए बोलना गलत नहीं, बोलना गलत तब होता है जब आप अपनी कौम के लिए बोलें प्लस दूसरी कौम को गलत कहें, ये गलत होता है। वो अपनी कौम के लिए भी, अभी आपने स्पीच सुनी होगी उसमें दलित भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाया उन्होंने, ऐसा नहीं है, वो सभी समाज को लेकर चलते हैं। और इस तरह का ये इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि अक्सरियत हमारे नॉन मुस्लिम भाई की है, तो उनको सिर्फ बहला फुसला कर उन्हें अलग करने की कोशिश की जाती है कि वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को कोई बात मीडिया बोलता है भड़काऊ भाईजान नहीं, भड़काऊ भाईजान की, क्योंकि मीडिया आप जानते हैं कि किसके अंडर में है। अभी जो स्पीच इन्होंने दी या पिछली जितनी भी स्पीच उठाकर देख लीजिए, उसमें इन्होंने ऐसी कोई स्पीच नहीं दी है जिससे किसी समाज पर डायरेक्ट कोई असर हुआ है। अपनी कौम की अगर वो बात करते हैं तो उसमें गलत क्या, और साथ साथ में दूसरे तबके को भी लेकर चलते हैं, तो उनका मानना यह है कि अपनों के साथ साथ दूसरों को लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक जिम्मेदार आदमी किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, उन्होंने अपने मन से इसमें ज्वाइन किया है, तो उनको कुछ अच्छा लगा होगा। दूसरी पार्टी में अब तक थे, उनको लगा कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं, दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं कंपैरिजन टू इस पार्टी के, तो उनको ये पार्टी बेहतर लगी होगी, तो उन्होंने ये ज्वाइन किया, उनका खैर मकदम किया जाएगा। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ में हैं। और कोई भी, मेरा साफ साफ यही कहना है कि ना हम अखिलेश के गुलाम हैं, ना हम ओवैसी के गुलाम हैं, ना हम मायावती के गुलाम हैं। जो बेहतर काम करेगा हम उसका साथ देंगे। हमें अखिलेश से ही ना दुश्मनी है, ना मायावती से दुश्मनी है, मोहब्बत उसी से होगी जो ज़मीन पर काम करेगा। हमने दोनों को लाकर देख लिया, बीएसपी को भी लाए और अखिलेश को भी लाए, सबको लाकर देख लिया, क्योंकि हमारे हिसाब से, जनता के हिसाब से वो काम ज़मीन पर नहीं उतरा, इसलिए अब हम ओवैसी साहब को ट्राई करना चाहते हैं। बाहुबलियों के सहारे जो है AIMM जीतेगी, ऐसा ये गलत एक इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है कि बाहुबलियों के सहारे। अभी जैसा कि सदर साहब ने कहा कि 70 बाहुबली ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं बीजेपी के, हमें किसी पार्टी पर क्या, किसको सेलेक्ट करती है हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन अगर मीडिया इस बात को आवाज़ उठाता है कि MIM बाहुबलियों के ऊपर काम करता है, तो आप काउंट कर लीजिए कि 70% से ऊपर बाहुबली बीजेपी में हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। कितने केसेस हटा लिए गए,
तो इन पर भी मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर कोई बाहुबली है जन्मजात, अगर उसने गलत किया बाद में उसको पछतावा हो रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, उसको मौका देना चाहिए सुधरने का। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि कोई बंदा अगर गलत है और वो सुधरना चाहता है तो बिल्कुल उसे मौका देना चाहिए। लेकिन अगर वो पार्टी में आकर वो उसी रद्द अमर पे काम चल रहा है, जैसे बहुत से बीजेपी में देख लीजिए, चाहे प्रज्ञा सिंह हो या अभी सोम का नाम आता है या अभी इसका सूर्या ने कौन सा बयान दिया, तो अगर इस तरह के बयान आते हैं और उनके मुंह से निकलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर MIM से किसी पार्टी का या अखिलेश पार्टी से किसी का कोई बयान देता है तो उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव होते हैं। ओवैसी जो है बार बार जो है ये कहते हैं कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं समाजवादी से, मगर दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगे की बात करते हैं, तो दोनों बातें एक साथ कैसे? तो ये तो और अच्छी बात है, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने एक पॉइंट ये रखा कि हम बराबर के, हम समर्थन देंगे या समर्थन लेंगे सिर्फ इस शर्त पर कि हम गुलामी आपकी नहीं करेंगे। वो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, गलत किया, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए अगर आप साथ में आते हैं, हम सब मिलकर एक नए क्षेत्र का, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये उनकी सही सोच है। और अगर मुजफ्फरनगर दंगे की बात हो रही, उन्होंने गलती की तो उनका नाम लिया जा रहा है, क्या गलत कह रहे हैं वो? लेकिन अगर उनको इसके ऊपर पश्चाताप है कि हाँ गलत हुआ, तो बिल्कुल हम लोग उनके लिए तैयार हैं कि गलत हुआ है, उसका पश्चाताप है, उनको पछतावा है, तो सब लोग साथ मिलके एक नए, पुरानी गलतियां जो होती हैं उन पर अगर उनको पश्चाताप हो रहा है, उनको पछतावा हो रहा है, तो अच्छी बात। हम सब मिलकर, कोई ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई तो उसको दरकिनार ही कर दिया जाए, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर हमें अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को अच्छा बनाना है तो मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रशेखर रावण और ओवैसी की मुलाकात हुई थी, जी जी, क्या लगता है दोनों को साथ में आना चाहिए? उम्मीद है, बिल्कुल है, जो भी आए, ये पार्टी एक ऐसी है, इसमें जिम्मेदारों का लगभग यही कहना है कि जो भी पार्टी आएगी, जो भी इसमें ज्वाइन होना चाहता है उसका खैर मकदम है। ऐसा नहीं हम किसी जात, किसी बिरादरी या किसी मजहब को देखकर उसको नहीं लेते हैं। कोई भी बंदा जिसे भी लगता है कि इस पार्टी में आके वो आज़ाद तरीके से सही काम करना चाहता है, उसका खैर मकदम है, वो आ सकता है, तो इसमें कोई गलत नहीं, कोई भी आ सकता है, चाहे दलित, शुरुआत से कहा जा रहा है कि दलित भाई हो, यादव भाई हो, पंडित ब्राह्मण कोई भी हो, सही तरीके से अगर काम करना चाहता है तो उसका खैर मकदम है और किसी से कोई दुश्मनी है। इस पार्टी की यही खासियत है, आप कोई भी स्पीच उठाकर देख लीजिए, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कभी भी कोई गलत बात नहीं बोली गई, अगर बोली गई है तो मैं पर्सनली उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई वीडियो ऐसी, कोई आप कहते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने ऐसा गलत बोला, तो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो अच्छाइयाँ हैं हम उसको मना नहीं कर सकते। एक गलती अगर किसी ने की है तो उसकी वजह से पार्टी थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसके साथ हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि इस पार्टी में गलतियाँ ज़्यादा होने लगी, हम छोड़ के दूसरा सामान लेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो मेरा ये साफ कहना है कि जो पार्टी कौम के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, बिना किसी भेदभाव, बिना जात मजहब को देखकर आगे चलती है, तो हम लोग उसके साथ में हैं।